नमस्कार साथियों। साथियों कहते हैं ना कि जो व्यक्ति अच्छा कार्य करता है उसकी बड़ाई उसकी तारीफ होनी चाहिए, और शिक्षक होने के नाते मैं एप्रिसिएशन की क्या वैल्यू होती है इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझता भी हूँ। और मैं आज अप्रिशिएट करना चाहूँगा पूरी की पूरी विनर्स टीम को, आदित्य पटेल सर को, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा काम किया है मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए जो शायद इससे पहले कोई कर नहीं पाया। देखिए मैं एक खुद शिक्षक हूँ, मैं खुद टीचर हूँ और यहाँ पे बहुत से विद्यार्थियों को पढ़ाने का अनुभव भी है, लेकिन मैंने जब उनकी किताब देखी तो मुझे ये तारीफ के बिना रहा नहीं गया। ऐसा क्या हुआ है सर? सडनली मेरा एक स्टूडेंट है जो पढ़ रहा था, रीजनिंग लगा रहा था, प्रैक्टिस कर रहे थे, तो मैंने एक किताब देखी, आदित्य सर की किताब देखी। मैंने बोला कि यार ये किताब अच्छी लग रही दिखने में, मैंने उससे बोली कि मुझे दो ज़रा। उसने जब मुझे वो बुक दी ना तो मैं लिटरली शॉक हो गया उस बुक को देख के। मतलब हम जब स्टडी कर रहे थे ना तो हमारे टाइम पर ऐसी कोई बुक नहीं थी जो इतनी आसान लैंग्वेज में हो, इतनी बढ़िया हो, इतने चैप्टर वाइज इतने ज़्यादा कंसेप्ट, और सबसे मेन बात है डिजिटल। ये मान के चलना कि इस बुक को बनाने के लिए आदित्य सर ने कितनी ज़्यादा मेहनत की होगी ये मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि ये बुक नहीं है। आप ये मान के चलेगा कि पूरी की पूरी एक व्यक्ति अपने जीवन में जितनी नॉलेज लेके चलता है ना, वो सारी की सारी नॉलेज इस बुक में बहुत अच्छी तरह से उकेर दी गई है। तो मैं नहीं मानता कि पूरे स्टूडेंट्स के लिए इससे बेहतर कोई बुक होने वाली है। आप मेरे पर्सनल रिकमेंडेशन पे ये बुक जरूर पढ़िएगा। और मैं सही बताऊं, ये जो बुक है ना आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आपके इंडिया के सभी एग्जामिनेशन के लिए। आप चाहे एसएससी के प्रिपरेशन के लिए जाएं या बैंक की प्रिपरेशन के लिए जाएं, क्योंकि इसमें जो लेवल है ना ये फ्रॉम बहुत ज़्यादा बेसिक से लेके बहुत ज़्यादा एडवांस तक की है। मतलब मैंने SBI के अंदर जो PU मेंस लेवल की रीजनिंग नहीं होती है उस तक की जो क्वेश्चंस इसमें मैंने देखे हुए हैं। तो मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा फिर से आदित्य पटेल सर को और पूरी विनर्स टीम को, पूरी विनर्स पब्लिकेशन को इतनी शानदार बुक के लिए। और सर आपसे पूरी उम्मीद है कि आप इसी तरह के और भी बेहतर कंटेंट को मध्य प्रदेश में लेकर आते रहेंगे। तो ये छोटी सी बात थी जो मुझे विद्यार्थियों को बतानी थी, आप जरूर देखिएगा।